जितना बड़े हॉल में पढ़ाई की चलती है, पर क्लासरूम में हम लोग बिना माइक की बात करते हैं, तो आदत है दोस्त का बोलना. Alice speaks for you, sir. मैं एक्चुअली मैंने 30 मिनट्स आई थॉट आई बी स्पीकिंग फॉर 30 मिनट्स और कल शाम को मुझे पता चला मैं 2 घंटे का सेशन लूँगी, 1.5 से 2 घंटा. ठीक, तो मैं थोड़ा बदल दी उसको. आई विल डू अ लिटिल वर्कशॉप मोड टुडे सो दैट वी डिस्कस वी एंगेज विद ईच अदर ऑन इश्यूज रिलेटेड टू करिकुलम एंड एजुकेशन. टुडे जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो थोड़ा करिकुलम के बात छेड़े थे, उनके पास वक्त नहीं था, वो ज़्यादा उसके बारे में बोल पाए थे. पर करिकुलम ये है कि और वेरी इम्पोर्टेंट हो गया, बिकॉज जब हम यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए या उसकी एक फ्रेमवर्क बनती है. करिकुलम आप पुटिंग आप जब क्लास 1 को जाते हैं वहाँ के लिए भी करिकुलम होती है, क्लास 5 में पढ़ते हैं वहाँ के लिए भी करिकुलम होती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ के लिए भी करिकुलम होती है. करिकुलम बेसिकली ये बताती है मैं आप लोगों की करंट बाइबल्स हूँ, सो ये सब क्योंकि एडेड का जिक्र. Okay, so I'll start with one thing, that how is education different from any other discipline? And when we frame the curriculum for a discipline like education, what kind of parameters we take into account? Education बाकी discipline की तरह एक discipline है, उसकी जब हम बात करते हैं तो किस तरह से बात करते हैं कि education बाकी discipline से कैसे फर्क है, और दूसरी चीज़ उसकी करिकुलम किस तरह की होती है और वो करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. मैं थोड़ा इसको ब्रॉडली आपके सामने रखूँगी, फिर मैं थोड़ा स्पेसिफिक रिसर्च बेस्ड डिस्कशन पे आऊँगी जहाँ पर मैं अपना रिसर्च को यूज़ करूँगी अपने बात आपके सामने रखने के लिए. और मैं ये कोशिश करूँगी कि जो बातचीत हम करेंगे वो थोड़ा डायलॉजिकल हो, मालूम नहीं कितना हो पाएगा यहाँ, पर मैं कोशिश करूँगी थोड़ा डायलॉग आपके साथ करूं कुछ सोच को लेके. देखिए, हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन में फर्क है. स्कूल एजुकेशन में जब बच्चा क्लास 1 या 2 या 3 या 4 में पढ़ता है, आप जाइए एक टीचर सारे बच्चे को पढ़ाते हैं और उस टीचर को बोलेंगे आप मैथमेटिक्स में आप एक्सपर्ट हो क्योंकि आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो. बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास 2, 3, 4 में मैथमेटिक्स पढ़ाने में कितनी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो तो कोई भी टीचर पढ़ा सकते हैं. तो यू हैव अ क्लास टीचर कॉन्सेप्ट जो पूरे सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं. जबकि आप हाई स्कूल को जाते हो तो मैथ्स टीचर मैथ्स पढ़ाने के लिए आप मैथमेटिक्स ट्रेनिंग जिसके पास है BSc कम से कम मैथमेटिक्स किया हो उसको देते हो. जब यूनिवर्सिटी में जाते हो तो पूरी मैथमेटिक्स ट्रेनिंग होता है मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, वो क्यों है? क्योंकि एक सोच है कि जो प्राइमरी क्लासेस की जो मैथमेटिक्स है वो कोई पढ़ा सकता है, बिकॉज दैट हैज टू डू विद बेसिक काउंटिंग, यूज ऑफ नंबर्स, यूज ऑफ यू नो टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज. एंड वो ज़्यादातर स्कूल एजुकेशन सब सबको उसमें प्रिपेयर करता है. तो जो स्कूल से निकला हुआ हो वो कम से कम क्लास 1, 2, 3 का मैथमेटिक्स पढ़ा सकता है. ठीक है, और उसकी जब करिकुलम की बात होती है तो हम करिकुलम कैसे रखते हैं सामने? हम ये कहते हैं कि बच्चा जब स्कूल को आता है
उसको कुछ तो क्वांटिटीज के बारे में पता होता है, ऐसे नहीं कि नहीं पता होता, कुछ पता होता है तो, और कभी कभी वो गिन भी सकता है और गिन के उसके बारे में क्वांटिटी के बारे में बात कर सकता है। तो इसलिए जो बच्चा जान जितना जानता है हम वहां से शुरू करते हैं और थोड़ा और ज्ञान बच्चे को देते हैं। और आप एजुकेशन ग्रुप के आप बोलेंगे बच्चे के जो होम कॉन्टेक्स्ट है, जो अपना नॉलेज है उसको लाइए, उसको स्कूल के नॉलेज के साथ जोड़िए, ये पूरे आप लोग कर चुके हो, मुझे कुछ इसको इसमें कोई नया चीज नहीं है आपको बताने के लिए। पर नया क्या है उसमें थोड़ा आगे, तो आप ये कहते हो कि बच्चा जब दो बच्चे हैं, आप एक बच्चे को दो चॉकलेट देते हो, दूसरे बच्चे को 10 चॉकलेट देते हो, तीसरे बच्चे को पूछते हो 3 साल के बच्चे को सपोज कि ये दोनों में खुश कौन होगा, तो बोलेगा जिसको ज्यादा मिला है तीसरा बच्चा, क्यों उसको ज्यादा मिला है। हमने एक एक्सपेरिमेंट किए थे विच इज वेरी डेविडोवियन, बट उसमें एक ही 3 बच्चे लिए और कुछ हाथ में 2 हाथ में टॉफीज लेके दोनों बच्चों को दिए, एक हाथ में कम था और 2 के लिए था, एक हाथ में खूब सारा था 10-15 था, और हम 2 बच्चे को दिए। तीसरे बच्चे को बोले कि क्या सही हुआ, तो बोला नहीं, ये दूसरा जो बच्चा है पहला जो बच्चा है वो दुखी होगा क्योंकि उसको तो पूरा मिला, उसको उतना नहीं मिला जितना दूसरे बच्चे को मिला। तो मैंने पूछा तो क्या करेंगे, नहीं आप इससे कुछ निकाल लीजिए, इसको इसको कम कर लीजिए। तो मैंने बोला देखो उससे अगर कम करोगे तो वो बच्चा फिर रोएगा, क्या करोगे, तो पहले बच्चे को थोड़ा कुछ और दे दीजिए, तो इसको थोड़ा और दे दीजिए। तो हम बोले ठीक है देते हैं। एक बच्चे का हम बोले नहीं हमारे पास और है नहीं, जो था हम दोनों को दे दिया, अब क्या करें। तो बोला नहीं फिर तो ये गड़बड़ है, आप थोड़ा इससे लेके उसको दीजिए तब जाके दोनों खुश होंगे। तो ये जो 3 साल का बच्चा कर रहा है ये क्या कर रहा था, गणित कर रहा था या लैंग्वेज कर रहा था, क्या कर रहा था, और उसको कोई सिखाया नहीं है, उसको तब तक हमने वो इंश्योर किए थे जिसको काउंटिंग नहीं आ रहा हो, और उसको काउंटिंग नहीं आ रहा आता है, वो गिन नहीं पा रहा है, और वो कह रहे हैं कि इसके पास ज्यादा है इससे थोड़ा ले लो, या इसको थोड़ा और दे दो, या इससे थोड़ा लेके उसको दे दो। So this child obviously is hardwired for some amount of mathematical thinking. The child can question the quantities, can compare the quantities, can also assess more and less, and has a sense of equality. और वो sense of equality उसको कहता है कि ये जो ज्यादा है इससे थोड़ा निकाल के इसमें डाल दो, या इसको थोड़ा और दे दो, या इससे थोड़ा निकाल दो। The child is actually taking away something from here, जो माइनस हो रहा है, यहाँ पे कुछ दे रहा है जो एड हो रहा है, और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि दोनों को इक्वल क्वांटिटीज में लाए। उसको अगर गिनती आता हो और इसको 10 दिए हो और इसको 2 दिए हो, इसको 10 दिए हो, तो वो बोलेगा कि यहाँ से 4 लाके उसको दे दो। अगर गिनती नहीं आता है तो भी हमने किए हैं ऑब्जेक्ट को लेके, वो थोड़ा इधर से लाके उधर रखता है, फिर देखते हैं इधर अगर फिर भी कम है तो एक और लेके रख देता है। इट मे नॉट बी परफेक्टली इक्वल, बट एट द लेवल ऑफ ब्रेन एट द लेवल ऑफ माइंड चाइल्ड हैज दिस नोशन ऑफ इक्वालिटी। चाइल्ड कैन परसीव क्वांटिटीज, चाइल्ड कैन परसीव द कॉन्सेप्ट्स लाइक मोर और लेस। ये बच्चा लेके आता है और 1 साल के बच्चे के पास ये सारे क्षमताएं हैं। उसके बाद हम उसको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और 3 साल में आधे बच्चे मैथमेटिक्स में फेल हो जाते हैं। ठीक है, जो बच्चा नहीं फेल किया था ये बोलने के लिए ना किसके पास ज्यादा है कैसे ठीक करें, वेरी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल थिंकिंग द चाइल्ड टू द वेरी टाइम स्टेट्स 1994 बेसलाइन सर्वे एनसीईआरटी का अगर आप देखेंगे उसमें आपको क्लास 2-3 बच्चे ट्राइनल एरियाज की बेसिक मैथमेटिकल टास्क में फेल होते हुए मिलते हैं।
एसर का टेस्ट आपको वैसे भी पूरे विश्व में बदनाम कर दिया है, जो कहता है कि आपके क्लास सिक्स के बच्चे भी कभी कभी इतनी सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या रहा है? As that's something one has to think about. कि जो बच्चा ऑलरेडी ब्रेन से हार्डवायर्ड है, उसके कल्चरल एक्सपीरियंसेस इतनी है कि उसके पास वो भाषा है जिसको यूज करके वो कम ज्यादा समान ये बोल पाता है, अपना कॉग्निशन को एक्सप्रेस कर सकता है कि ये खुश होगा, ये दुखी होगा, इसको थोड़ा और दे दीजिए, उसके पास पूरी भाषा है, उसके पास कॉग्निटिव स्किल है, सोच के बोल सकता है, और उसको हम स्कूल को लाके उससे सिंपल जवाब पूछ के उसको फेल कराते हैं और अनाउंस करते कि वो नहीं कर पा रहा है. सो देयर इज समथिंग फंडामेंटली गोइंग रॉन्ग इन द स्कूल सो फार एजुकेशन इज कंसर्न्ड. ओके, इसके लिए अगर आप मेरे पास टाइम है, मैं आपको 200 एग्जांपल, 200 इंस्टेंसेस दूंगी, एविडेंसेस दूंगी जहां पर एजुकेशन फेल कर रही है. आपके पास 1000 रिपोर्ट्स है, एसर है, पिज़ा रिपोर्ट है. पिज़ा इज आल्सो कंट्रोवर्शियल वर्क, अगर मेरे पास टाइम है मैं उसके बारे में बात करूंगी. वो सब आपको यही कहता है कि बच्चे जिस क्लास में जो सीखना चाहिए वो मिनिमम वो नहीं कर पाते. क्लास सिक्स के बच्चे क्लास टू के मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर पा रहे. सो देयर इज समथिंग वेरी फंडामेंटल रॉन्ग विद द वे एजुकेशन इज कैरीड आउट. नाउ लेट्स लुक एट इट एट टू लेवल्स. वन इज ऑफ कोर्स द टीचर हू इज टीचिंग इन दैट क्लास. वो कुछ और वो टीचर बच्चों के दुश्मन नहीं है. आप कह सकते हो कि कुछ टीचर सिंसियर है कुछ नहीं है, पर हर किसी में बच्चों के साथ एक कांट है, रॉन्ग होती उनको पढ़ाना, वो पढ़ाना चाहते हैं, पर किसी तरह कुछ होता है जहाँ पर समथिंग गोज रॉन्ग. और एक है, और एक टेबल पे जहाँ पर आप लोग बैठे हो, आपको कुछ और शिक्षक ये पढ़ाते हैं, ये बताते हैं कि उस बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए ताकि वो मैथमेटिक्स अच्छा करे, ताकि वो अंग्रेजी अच्छा करे, ताकि वो अपने भाषा में एक दूसरे तरह की दक्षता पाए, जो भाषा उसके पास पूरी डेवलप है और उसमें और कुछ दक्षता और लाए. तो ये यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक मेटा लेवल की बात होती है. वहां पर जो टीचर है वो अपने बच्चों के साथ जूझती है उसको सिखाने के लिए 2+2=4 और 12+10=20 और एनीथिंग. यहाँ पर एक टीचर है जो आपको कहता है कि देखो आपने पढ़ के आए हो, आपके भाई बहन हैं, आप अपने अपने कम्युनिटी में बच्चों को देखते हो, आपको अगर हंसी आ रहा है सवाल पूछिए, आई कैन स्टॉप. आप पूछना चाहते हैं कुछ लास्ट रो में पूछ सकते हो. मेरे क्लास में मैं कम बोलती हूँ, यहाँ पे आप मुझे माइक पकड़ा के स्टेज में बिठा दिए, सो आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई विल स्पीक, यू नो आई एम प्रिपेयर्ड टू स्पीक, पर आप मुझे रोक के पूछ सकते हो सवाल. अच्छा, मैं दो लड़कियों की बात कर रही थी कि एक जो जूझ रहा है उस बच्चे के साथ, उस पुस्तकों के साथ और कुछ एक करिकुलम के साथ कि एक साल में हम उसको इतना पढ़ाएंगे. यहाँ पे आपके साथ टीचर जूझ रहे हैं कि एक समर्स खड़ा करें आप में जो आपको वो दक्षता दे जिसको लेके आप क्लासरूम में कुछ चीजें देख सकते हो, कुछ चीजें नया कर सकते हो, कुछ अच्छा से पढ़ा सकते हो और कुछ नए तरीका भी ढूंढ सकते हो. सो दीज आर टू डिफरेंट एक्सरसाइजेस. जब आप स्कूल को जाते हो उस टीचर की आप स्थिति होती है, पर यहाँ पे बात होती है क्योंकि देयर इज एन हाइपोथेटिकल चाइल्ड, देयर इज दिस क्लासरूम, यू हैव बुक्स, यू हैव चार्ट्स, यू हैव मटेरियल्स, व्हाट डू यू डू विथ ऑल दैट. माँ नहीं पूछती है. आपने कभी किसी माँ को बोले हो कि आप बच्चे बड़ा नहीं कर पाओगे? कभी बोले हो? कोई नहीं बोलता है. मुश्किल से ये बोलते हैं कि मैं खुद गई, यू नो मैं मैथमेटिक्स की हूँ पर मैं कॉग्निशन पे आ गई एंड देन साइकोलॉजी कॉग्निशन ज्यादा रही उसमें. तो क्लास 11 को जब मेरा बेटा गया,
मैंने बोली नहीं इलेवेंथ क्लास इलेवेंथ की मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा पाऊंगी बच्चों को, पर मैं बच्चों को बड़ा नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा पढ़ा नहीं पाऊंगी, सिखा नहीं पाऊंगी, मुझे कोई नहीं कभी बोला, मैं कभी नहीं बोली हूँ। टीचर्स को हम बोलते कि आप पढ़ा नहीं पाओगे, क्या फर्क है? There is something, you know, there is a difference in expectation, there is whole lot of difference. What is that difference? We need to understand before we talk about curriculum. ठीक है? So, जब यहाँ हम लोग गाइड की बात करते हैं, हमारे सामने एक काल्पनिक बच्चा होता है या बच्चे होते हैं और एक क्लासरूम होता है, और वो हम लोग जब टीचर कहते हैं वो एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर रहता है, पर हम सभी का एक्सपीरियंसेस है। मैं भी स्कूल में पढ़ के आई हूँ, मेरे छोटे भाई बहन स्कूल में पढ़ते थे, बड़े पढ़ते थे, सो आई हैव रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस। बट इन द क्लासरूम वी टॉक अबाउट येट अनदर क्लास फॉर विच वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। ओके, यहाँ पे ये बहुत जरूरी है समझना कि वो है कौन जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो है क्या चीज जो मेरे लिए एक साधन बन सकती है। आप मुझे बोलोगे कि फ्लाइट आपका दो घंटे के बाद है, आपको हम साइकिल पकड़ा देते हैं, आप जाइए, मैं क्या कहूँगी? मेरी साइकिल से मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, मुझे आप काट दीजिए। क्यों? वो भी एक टूल है, पर वो टूल फुल सफिशिएंट नहीं है, नहीं पहुंचा पाएगा मुझे। तो मैं आपको साधन भी, एक बातचीत में हम कुछ नए साधन खड़ा करेंगे जो पढ़ने लिखने में मदद करेगा, ठीक है? और उसमें आप कह रहे हैं कि स्कूल में टेक्स्ट बुक एक है जो साथ एक साधन है, ब्लैकबोर्ड है, आप कुछ भी वहां लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, आपके पास अपना भाषा है, नॉलेज है, उसको यूज करिए, आपके पास बच्चे हैं, बच्चों की भाषा है, बच्चों के नॉलेज है, उसको भी यूज करिए। ये सारा मेरे पास है और उसको लेकर मुझे करना क्या है, दैट इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस। इसको चर्चा करने के लिए आप एक करिकुलम अपने लिए बनाते हो, ये दुख की बात है कि आप नहीं बनाते हो, मैं बैठ के दिल्ली में बनाती हूँ या आपके टीचर्स यहाँ बैठ के बनाते हैं, उसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, होना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है, जिसके लिए है उसको भी इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो जो भी है, जो बनाया है वो हमारी व्यवस्था है, चल रहा है, पर वो करिकुलम हम लोग बनाते हैं इस तरह की एक जो डिस्कशन हो, जो डायलॉग हो उसको करें, और कुछ क्षमताएं अपने पास लाए जो हमें मदद करे कल टीचर को पढ़ाने में, एक बच्चों को पढ़ाने में, या कुछ और टीचर्स को ट्रेनिंग देने में। मैं जाके यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकती हूँ लेक्चरर होके, डायट कॉलेज ज्वाइन कर सकती हूँ, प्राइमरी स्कूल के टीचर बन सकती हूँ, सेकेंडरी स्कूल के टीचर बन सकती हूँ, पर इस सबके लिए ये प्रोग्राम मुझे तैयार करता है, ठीक है? ओके, पहला बात है वो बच्चे कौन है। अगर मैं प्राइमरी में पढ़ाऊंगी, मेरे लिए प्राइमरी का बच्चा 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल की बच्चा, सेकेंडरी में पढ़ाऊंगी तो 12 साल, 13 साल, 15 साल की बच्चा, कॉलेज में पढ़ाऊंगी तो बड़े बच्चे हैं, ये अलग अलग है, पर वो बच्चा है कौन, ये पहला सवाल है जो करिकुलम डॉक्यूमेंट पूछती है। और वो कौन है, मैं अपने आप को समझती हूँ, अपने भाई बहन को समझती हूँ, मेरे कई सारे दोस्तों को समझती हूँ, मैं सोचती हूँ मेरे पास एक जेनरिक अंडरस्टैंडिंग है बच्चे क्या होते हैं। Is that enough? अगर वो enough है तो फिर आप यहाँ नहीं, यहाँ जरूरत नहीं है आपकी होना। Obviously that understanding is not enough because वो understanding मेरी अपनी experiences से बनी है जो बहुत important है, but there is a knowledge system which can help me develop a far deeper understanding, ठीक है? और वो यहाँ पे मेरे teachers एक करिकुलम, एक सिलेबस के माध्यम है मुझे दे सकते हैं, और इसीलिए उस करिकुलम के बहुत बड़ा अंश होता है हु इज द लर्नर, दैट चाइल्ड, दैट एडल्ट, दैट यंग बॉय और गर्ल, हु इज दैट लर्नर। हमारे अगर टेक्स्ट बुक आप देखेंगे वहां हर कोई, आप लोग खुद भी कहेंगे देयर इज अ प्रॉब्लमेटिक एजम्पशन ऑफ द लर्नर, लर्नर इज ऑलवेज अ जेनेरिक। पहले जो फेमिनिस्ट होते थे तो बोलते थे लर्नर तो हमेशा लड़का होता है या
अपर कास्ट बच्चा होता है. कभी अगर लर्नर की फेस में मैंने एक ट्राइबल बच्चा देखूं तो शायद मैं टेस्ट बुक दूसरे तरह की बनाती. अगर लर्नर की वो फेस मुझे एक डिजेबल चाइल्ड का भी दिख जाता तो शायद मैं टेस्ट बुक अलग तरह से बनाती. अगर आप अपना टेक्स्ट बुक देखेंगे, एक प्रॉब्लमेटिक अंडरस्टैंडिंग है वो लर्नर की. लर्नर की विविधता को लेके, डाइवर्सिटी को लेके. एंड ये जो डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट के लेवल पे चलेगा ना, ये जो सोशल साइंस कॉन्सेप्ट है उसको भी थोड़ा तोड़ मरोड़ के देखना पड़ेगा कि क्या है वो, कैसे काम करता है वो. पिछले अगर आप 20-30 साल देखेंगे, आप क्या बात करो, इक्वालिटी होना चाहिए, इंक्लूसिवनेस होना चाहिए, हर बच्चा इसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है. सो हर जेंडर की बच्चे होने चाहिए. आपके पास दो जेंडर नहीं है, आपके पास बाइसेक्सुअल है, आपके पास गेज है, आपके पास कई सारे सेक्सुअल ओरिएंटेशंस की है, लड़के हैं, लड़कियां हैं और कई सारे हैं. आपके पास हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियंस है, आपके पास एक आदिवासी है, ब्राह्मण है, दलित है. और ये जो डाइवर्सिटी है वो बहुत नाइव कॉन्सेप्ट नहीं है, प्लेन कॉन्सेप्ट नहीं है. डाइवर्सिटी के साथ एक इनइक्वालिटी चलती है. और पिछले जो 20-30 साल में एक जो प्रॉब्लम हुई है, मैं बताती हूँ, मेरी पीएचडी 90 की शुरुआत में हुई थी. तो जब मैं 95 में अपना करियर शुरू की, डाइवर्सिटी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था और हम लोग उस डाइवर्सिटी से डरने लगे हैं. आपको बताऊं क्यों? उस समय हमें लगता था कि देखो एक ही तो फेस है बच्चे का जिसको लेके हमने टेक्स्ट बुक लिख दिया. हमारे उस टेक्स्ट बुक में कोई ट्राइबल नहीं दिखता है, कोई गलित नहीं दिखता है, कोई आधा मुसलमान नहीं दिखते हैं. ये हर बच्चा इस देश का उसमें होना चाहिए, ठीक है. आप लग रहा है कि डाइवर्सिटी को तो हम भगवान बना दिए, पर उसमें इनइक्वालिटी पूरा नहीं लाए. दो ब्राह्मण बच्चे एक जैसे नहीं है, दो दलित बच्चे एक जैसे नहीं है. एक दलित बच्चा जो मेरे यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे, राजस्थान से दलित ट्राइबल्स आते हैं, वो बिल्कुल आईएस फैमिली से आते हैं. उनको मैं फिर ओडिशा के ट्राइबल बच्चों के साथ कंपेयर करती हूँ, दोनों को एक जैसे मानती हूँ. ये प्रॉब्लमेटिक है, दोनों ट्राइबल्स हैं तो दोनों में बहुत फर्क है. सो ये जो विविधता है उसके साथ इनइक्वालिटी आने की जरूरत है. डिफरेंसेस की बात सिर्फ करके छोड़ देना इम्पोर्टेंट नहीं है, डिफरेंसेस को पूरी क्वालिटीज के साथ लाना जरूरी है. जब हम उस बच्चे को इतनी विविधता को लेके देखेंगे तब जाके एक इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए हम करिकुलम बना पाएंगे, ठीक है. तो उस बच्चे को समझना बहुत जरूरी है. ये रहा विविधता जो हमको दिखता है, जो सोशल है. और एक है बच्चे के दिमाग कैसा है, उसको समझना बहुत जरूरी है. उसके बिना समझ के आप उसको कैसे पढ़ाएंगे. जैसे एक समझ की मैं बात की कि बच्चे को मैथमेटिकल थिंकिंग ऑलरेडी बच्चे के पास है, उसके साथ हम क्या करते हैं स्कूल में जो अलग है और जो प्रोफेशनल मैथमेटिकल टीचिंग कहा जाता है वो क्या है. बच्चे को दो और दो मिला के चार हो गया. अगर बच्चे को गिनना आता है उसको बोलेंगे दो आपके पास हो गया था, मैं दो और दी आपके पास कितना रहा, वो चार बोल दिया, ठीक है. तो उस बच्चे के साथ स्कूल में क्या किया जाए, मैथमेटिक्स करिकुलम स्कूल में कैसे बनाया जाए, दैट इज वन. नाउ एट गेट अनदर लेवल, जहां पर आप लोग यहां बैठ के तैयारी करते हैं कैसे वो शिक्षक बनेंगे, तो आपकी करिकुलम कैसे बनेगी. दोनों में फर्क है, क्लास 1-2 के मैथमेटिक्स करिकुलम और आपके करिकुलम में फर्क है. आपके करिकुलम में आप ये देखते हैं कि बच्चे को कैसे मैथमेटिक्स सिखाया जा सकता है, ठीक है. उसको सिखाने के लिए हमारे पास कितने तरकीब है, हाउ मेनी पेडागॉजिक टूल्स, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेडागॉजिक टूल्स वी हैव, किस तरह के मटेरियल्स बना सकते हैं, आप किस लेवल पे बात करते हैं.
और इस बात को आप वहां के बाद से डिटर्स नहीं कर सकते। इसलिए एक पेपर एक नहीं कई सारे पेपर्स हमने टीचर एजुकेशन करिकुलम में रखते हैं जो बहुत फंडामेंटल होता है, और कई सारे कॉलेजेस में टीचर आके उसको लर्निंग थियोरी दो क्लास, मोटिवेशन थियोरी एक क्लास, इमोशन एक क्लास करके पढ़ा देते, उससे कुछ नहीं समझ आता है। हमारे टीचर्स पुअर ट्रेनिंग पाते हैं क्योंकि हमने कभी उसको जोड़ के एक कहानी की तरह नहीं देखे, हमने उसको लेके बच्चों को समझने की जो पूरी समझ खड़ा करने के लिए जो प्रक्रिया चाहिए वो खड़ा नहीं कर पाते। मुझे बताइए, लर्निंग को मोटिवेशन से अलग किया जा सकता है क्या? मेरा मन नहीं है पढ़ने के लिए, आप मुझे पढ़ा सकते हो? कर नहीं सकते हो, पर हमने तो अलग अलग क्लास में दोनों को पढ़ाते हैं। इमोशन, उसके बिना मोटिवेशन खड़ी ही नहीं हो सकती है, कैसे कर सकते हो? मैं अभी अगर आप बोलू, आप सबको बोलूंगी चलिए शॉपिंग मॉल में 30% डिस्काउंट लगा है ड्रेस पे खरीदते हैं, आप सब उनके भागोगे और तुरंत आपके मुंह के हंसी आ जाएगी, आप खुश हो जाओगे, सोचना शुरू कर देगा पैसा कहाँ से आएगा और आप तुरंत कर भी दोगे, आ रहा है कहीं से, दिल से आ रहा है। ठीक है, एजुकेशन तो वही है, लर्निंग मोटिवेशन इमोशन अलग नहीं किया जा सकता है। और ये हमारे फेलियर है कि साइकोलॉजी में हम तीनों को अलग करके पढ़ाते हैं। सुबह जो बात हुई थी कि हम एजुकेशन में जो बच्चे आते हैं बहुत डिसइंटरेस्टेड हैं, क्यों नहीं होंगे मुझे बताइए? वो होंगे क्योंकि आधे लोगों का, अगर उनको कल आप इंजीनियरिंग में सीट दे दीजिए वो वहां चले जाते हैं। आपको मन है कि आप इंजीनियर से शादी करें, आपको मैं एक स्कूल टीचर बना दें, आप खुश होंगे क्या? इट्स अ बैड जोक, बट नॉट वेरी डिफरेंट। एजुकेशन मेजॉरिटी के फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, पर वो कहने से पूरा नहीं बनता है, कुछ ऐसे हो सकता है जो बच्चे तो हमारे पास आ गए, उनमें मोटिवेशन कैसे पैदा करना है वो मेरा जिम्मेदारी है। और अगर वो मोटिवेटेड नहीं है, मैं फेल कर रही हूँ, आपको मैं सीधी मेरी अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ। दैट ईयर आई जॉइंड जेएनयू एज अ स्टूडेंट, आपका वो मंडल कमीशन मूवमेंट नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ, उस ईयर के एंड में हुआ 89। एंड जब मैंने फैकल्टी ज्वाइन की 1999 में, ठीक है, जेएनयू में 2006-07 में जो स्टूडेंट चेंज हुआ वो भयंकर चेंज हुआ, क्योंकि 50% रिजर्वेशन लागू हो गया, खूब सारे बच्चे घर का से आए, गांव से आए, जिनका पहले नहीं आते थे, जेएनयू का अपना एक रिजर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। एंड हम लोग रूरल एरिया का 10 मार्क्स देते थे और वुमेन होने से 10 मार्क्स देते थे, तो इसलिए वुमेन रूरल एरिया खूब से पढ़ाते थे और दिल्ली वालों को हमने ज्यादा नहीं लेते थे, तो हमारा अपना एक रिजर्वेशन था जो ऑल इंडिया के लिए बनाता था, गरीब घर से बच्चे आते थे। बट ये रिजर्वेशन के बाद बहुत फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आने लगे और उसके वजह से ये जो मेरी हिंदी थोड़ा बेहतर है उसके बाद हुआ, बिकॉज मेरी अंग्रेजी में टीचिंग डिड वर्क था, कभी कभी मुझे भी ट्रांसलेट करना पड़ता था, बट आई चेंज्ड। और आधे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, शुरू में कुछ नहीं समझ आता है, पता नहीं, मैं अगर मेरे एमफिल क्लास, आई टीच इन एमफिल पीएचडी प्रोग्राम, हमारे वहाँ बीए नहीं है, एमए है, तो बहुत कम सब्जेक्ट में है, ज्यादातर हम लोग एमफिल पीएचडी प्रोग्राम हमारा है, जो आप बोलते हैं उनको एक सेमेस्टर के बाद वो बोलते हैं कि समझने के लिए हम लोग को 6 महीना बच जाता है, समझता है इंडिविजुअल वर्ड तो समझ लेते हैं पर उसको कंसेप्चुअली प्लेस करने में टाइम लगता है। ठीक है, और अगर मेरे क्लास में बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, मैं हमेशा अपना जिम्मेदारी मानती थी कि मैं ऐसे कुछ नहीं कर पा रही हूँ जो मेरे बच्चे मेरे क्लास में इंटरेस्टेड नहीं हो सकते हैं। एंड आई टेल यू दैट हमारे बच्चे बाय द टाइम दे पास मोटिवेटेड लॉट, फिर हम सुनते हैं वो बोलते हैं, हमारे बच्चे जो बोलते हैं हम ये बोल पाते हैं।
पॉइंट आप हाँ तो कंट्री में है कलया पर जब कलया बात करते हैं हमको भी बात करने के लिए डरते हैं मतलब वो अपना सोच में चलता है हम सबके सोच अलग है पर बात है कि बेट एक साथ बिना डर के बात करते हैं और कंसेप्चुअल लिबर्टी की बात करते हैं और ये सब लोग बहुत अच्छे हैं नहीं उसमें भी होते हैं सब बहुत कंसेप्चुअल रिच होते हैं कुछ उतना नहीं होते पूरे है पर क्लासरूम की जिम्मेदारी हमें हमारी So, ऐसे क्या करें जो क्लासरूम इंटरेस्टिंग हो तो एक जो है टेक्स्ट बुक क्या मेरे पास साधन हो जिसको पढ़ने के लिए बच्चों का मन हो मैं अगर एक पेपर पकड़ाई बच्चों को पढ़ने के लिए मन आए और मैं पढ़ाने की तरीका मेरे पास ऐसे हो कि बच्चे पढ़ने के लिए भी इंटरेस्टेड हो उसको आप कहते हो टीचिंग मेथड और pedagogic tools और principles ठीक है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इन्फॉर्म्ड होता है क्या पढ़ाएं वो करिकुलम से इन्फॉर्म्ड होता है कैसे पढ़ाएं वो थ्योरी और पेडागोजी से इन्फॉर्म्ड होता है ठीक है तो दोनों पे हम थोड़ा भी आएंगे तो एक है ये जो करिकुलम करिकुलम में क्या रखेंगे आप पहले बात है कि आपको ये आम चीज है क्या जब तक नहीं समझ आएगा आपने आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा ठीक है मैं बहुत खराब एग्जांपल्स दूंगी नहीं तो आप सो जाएंगे बच्चे को जिस बच्चे को पढ़ाने के लिए आप मुझे तैयार कर रहे हो उसको समझना मुझे जरूरी है वो ये है कि क्लास वन के बच्चा क्लास फाइव के बच्चे में फर्क है क्लास फाइव के बच्चा क्लास टेंथ के बच्चे में फर्क है यूनिवर्सिटी के बच्चे और क्लास टेंथ के बच्चे में फर्क है ठीक है जैसे एक चीज में फर्क नहीं है वो ये है कि ये सारे बच्चे के पास अपना नॉलेज है अगर मैं आपको रिस्पेक्ट देती हूँ क्योंकि आपको आपको पांच चीज आप स्कूल में पढ़ के आए हो एंड देयरफॉर यू आल्सो हैव नॉलेज एज मच एज आई हैव क्लास वन के बच्चों को भी मैं रिस्पेक्ट देना जरूरी है अगर आप रिस्पेक्ट दोगे आप उसको सुनने के लिए तैयार हो आप उसके साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हो वो बच्चा बैठेगा नहीं जाएगा वो बच्चा तब नहीं बैठता है जब आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हो आपको एक चीज में बता दूं आप अगर माँ हो आप पूरे आपके आपके बच्चे को सुनते हो बिकॉज आपके पास एक बच्चा होता है दो बच्चे होते हैं एक टीचर के पास 40 बच्चा होता है और वो टीचर की प्रॉब्लम वो व्यवस्था की प्रॉब्लम है सुनने का जो मेरे बात आप सुनो ये मेरी नीड है वो बदलता नहीं है उस घर में जो नीड है वो क्लासरूम में भी वही नीड है तो वो बच्चे को अगर टीचर सुने वो बच्चा बैठेगा ठीक है सिमिलरली कॉलेज में अगर आपके बात मैं सुनूं आप बैठोगे आपके साथ मैं बातचीत करूं आप बैठोगे क्या होता है जो आपके बात सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूं क्या होता है कि आप और मैं बातचीत नहीं कर सकते हैं क्या होता है कि आप जितने खुल के बाहर बात करते हो कैसे नहीं कर पाते ठीक है ये सोचे ये इसको समझने की जरूरत है यहाँ पे मैं छोटा सा एक फंडामेंटल को आप एक जो हमारे एजुकेशन के करिकुलम में एक तो मैं पहला जो आप सोच में रखना चाहती थी वो है कि लर्नर को समझना बहुत जरूरी है लर्नर की क्षमता को समझना बहुत जरूरी है उसमें एक दो तीन पेपर होना चाहिए इसलिए आपके पास साइकोलॉजी का एक पेपर है एक पेपर आपके पास होगा सोसाइटी के ऊपर है नॉलेज सोसाइटी एंड पीपल सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एक पेपर आपको होगा चाइल्ड डेवलपमेंट का है ना आप तो कर रहे हो क्यों कर रहे हो ये लर्निंग थ्योरी ये सब करते हो चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे पढ़ते हो जेंडर एंड एजुकेशन पढ़ते हो क्यों जेंडर एंड एजुकेशन पढ़ते हो मुझे बताइए जेंडर एंड एजुकेशन आप इसलिए पढ़ते हो ताकि आप इस समाज की व्यवस्था को समझो मेरे और मेरे हस्बैंड का एक एग्जांपल देती हूँ आपको समझ आ जाएगा जब मैं शादी की पहला दो साल मैंने मेरे दिमाग में काम किया था कुछ गड़बड़ हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है बट देन आई अंडरस्टूड कि मैं एक लड़की को शादी नहीं की मैं एक भगवान को शादी की आई नॉट जोकिंग आई एम सीरियस आई एम मैरिड टू अ गॉड क्योंकि जब पहले मैं शादी करके मेरे ससुराल गई मेरे सास की डिस्क्रिप्शन ये था
कि मेरा बेटा युधिष्ठिर की तरह है, वो कभी झूठ नहीं बोलता. And then I understood that he's the eldest son, सबसे बड़ा बेटा है, और वो बहुत कम बात करते हैं, और अच्छे स्टूडेंट हैं, हमेशा क्लास में फर्स्ट आते थे, और सबसे अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं. तो माँ-बाप का जैसे मुकुट होता है वैसे है, और जिंदगी भर माँ उनको सर पे बिठाई है, बाप भी उनको रेस्पेक्ट दी है. अब मैं यहाँ आके बोलती हूँ आप मेरे जैसे हो. Then I realized the problem is in my expectation. So क्या होगा, मैं बदलूँ या वो बदले, दोनों ही बदले. पर मेरी जिंदगी थोड़ा आसान हुआ जब मैं समझ पाई कि इसको बदलना तो जरूरी है, पर इसको मुझे भी समझना जरूरी है. He doesn't do few things because he thinks he's A or B or C. He was always treated like a god. और यही कारण है जो मुझे actually मेल पे थोड़ा दया आता है. उनको कभी इंसान करके कोई बड़ा किया ही नहीं, उनको हमेशा कोई भगवान बना दिया, बड़ा बेटा बना दिया, हेड ऑफ द फैमिली बना दिया. वो इंसान कब बने, कम से कम औरत इंसान बनकर बड़ी है, ठीक है. आपको नीचे रखा गया, आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया गया कि आप इंसान बनो. ये समझना बहुत जरूरी है. मैं थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको हिट करे, आपको थोड़ा समझ आए. लड़के और लड़की इस देश में समान नहीं है, जेल में समान थे शायद और नहीं रहेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया बदलने में जेल भी बदल रहा है. रात 4 बजे हमने एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल अगर जाते थे, कभी किसी लड़के को बोलते नहीं थे कि एस्कॉर्ट करो हमें, हमें कैसे सुना जाता था, कोई लड़की हमको एस्कॉर्ट नहीं करता था. मैं खुद दूसरे हॉस्टल में अगर हम गप्पे मार रहे हैं, रात 3 बजे गप्पे खत्म हुआ, फिर अपने हॉस्टल को आते थे, आधा किलोमीटर होता था, एक ही आते थे या दो आते थे, वो दूसरा हॉस्टल 10-11 हॉस्टल का. कभी हम लोग कैंपस में नहीं सोचते थे कि लड़के हमें एस्कॉर्ट करें. तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में क्या होता है, रात 9 बजे के बाद आप अकेले नहीं जा सकते हो, लड़का अकेला जा सकता है, तो आप दोनों समान हो क्या, नहीं हो सकते हो. आप 200 एग्जांपल दो जिसमें आप समान नहीं हो, क्योंकि समाज आपको समान नहीं बनाया. आप समान हो, वो लड़के आप लड़की हो, तो समाज आपको समान नहीं बनाया. इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि ये सोसाइटी की व्यवस्था क्या है, उसके बिना समझे आप नहीं बढ़ा सकते हो. एक आदिवासी बच्चा अगर जाके कोने में बैठ जाता है, मेरे अपने एक्सपेरिमेंट में मैं देखी हूँ, एथनोग्राफिक स्टडी में, जब मैं वो दलित एरिया था, तो मैं जब बच्चे के पास जाती हूँ, बोलती हूँ आप ये 2 सेंटेंस पढ़ने का रीडिंग का रिसर्च था, तो वो लड़की थोड़ा खिसकेगी दूसरे लड़की के पीछे जाएगी, फिर और एक उनके पूरी जो मूवमेंट होगी वो 3-4 इकट्ठे हो जाएंगे एक दूसरे के पीछे छुप रहे होगा. सो उनमें से जो स्मार्ट होगी तो थोड़ा पढ़ सकती है अच्छा से, या थोड़ा मिडर है, वो बेचारे ये पढ़ ले तो पढ़ा ना पढ़ ले, वो सब बड़े स्पोक से, बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म एंड वो परफॉर्मेंस के डिजायर सब हैं. तो फिर वो धीरे धीरे एक पढ़ी, ये तो तुझे मान लो पढ़, एंड देन वो पढ़ते थे. ओके, व्हाट आई एम सेइंग, इसको आप क्या एट्रीब्यूट करोगे, बच्चा शाय है, बच्चा पढ़ता नहीं है, उसको पढ़ना नहीं आता है, वो कैसे इंटरप्रेट करोगे, depends on what is your understanding of that child, what is your understanding of the teacher, what is your understanding of the classroom, why that child hides behind. ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है. जो बच्चा छुपता है वो क्या पढ़ेगा, और ये बच्चा छुपता है 4 साल तक स्कूल में, और किसी को परेशानी नहीं है. ये परेशानी है, परेशानी ना होने का, परेशानी ना होना परेशानी है, बच्चा छुपना परेशानी नहीं है. करिकुलम में वो सब चीज होना जरूरी है जो आपने ये समझ पैदा करे कि जहां पे हम लोकेट करते हैं अपने प्रॉब्लम, वो एक्चुअली नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है, और उसको आप सॉल्व करिए. आपको मैं बहुत जेन्यू लेफ्ट मार्क्सिस्ट तो नहीं लग रही हूँ, मैंने कोई एक्सट्रीम चीज में बिलीव नहीं करती. नंदीग्राम की जब इंसिडेंट हुआ था, हम लोग खूब जम के अपोज किए थे, है करीब एक्सट्रीम लेफ्ट है, मॉडरेट लेफ्ट है, सेंटर है, राइट विंग है. आई नेवर बिलीव इन एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट, बिकॉज़ इट डजंट वर्क. वो राइट हो या लेफ्ट हो, एक्सट्रीम पोजीशन में नहीं काम करता है.
nationalism I have always criticized. What I'm talking about is pure, you know, critical thought for a democracy, for children, for us, for people, for classroom. ठीक है और जो आपका needs है जो teacher के need है वो बच्चों का need है दोनों का need अलग नहीं है जैसे teacher चाहता है कि मैं अच्छा teacher में माना जाऊँ बच्चे भी वही चाहता है teacher चाहता है कि मैं भी बात करूँ बच्चा भी वही चाहता है आप देखिए teachers की need और बच्चों की need में कोई फर्क नहीं है और जिस दिन ये समझ गए आप बढ़िया classroom बढ़िया पढ़ाई और अगर आप सोचते हो यूनिवर्सिटी के क्लासरूम बहुत अच्छा है क्लास वन से नहीं है यूनिवर्सिटी के क्लासरूम ऑप्रेसिव ज्यादा है क्लास वन से यू नो व्हाई बिकॉज वो क्लास वन के बच्चे के पास पूरी रीजन तो डेवलप नहीं किया है टीचर को मालूम है वो तो बेचारे बच्चे तो कम से कम ह्यूमैनिटी ज्यादा प्ले आउट होता है बच्चों को इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए आप ज्यादा स्पेस देते हो बच्चों को थोड़ा कुछ भी अगर बच्चा बोल दे तो बोलते बच्चा है टीचर ऑल्सो डजंट माइंड यूनिवर्सिटी में नहीं होता है यूनिवर्सिटी क्लासरूम्स आर मोर लाइक अ जेल देन इन अ प्राइमरी क्लासरूम सो अगर आप सोचते हो कि यूनिवर्सिटी क्लासरूम ज्यादा बेहतर है नहीं है यूनिवर्सिटी क्लासरूम में वही प्रॉब्लम है जो प्राइमरी क्लासरूम में सो लेट मी नाउ कम बैक टू दिस पॉइंट कब तक हम लोग कर सकते हैं और कितना देर तक करें उस हिसाब से थोड़ा हाँ कब तक 12 बजे तक 12 बजे या उससे कम 12 बजे तक ठीक है 11:30 तक ठीक है सो अकॉर्डिंग टू योर प्लान ना ओके ये जो मेरी बात थी ये था एक क्योंकि आप लोग हमेशा एक टीचिंग मेथड की बात करते हो जब बहुत फेमस ऑथर्स से इंक्लूडिंग गांधी जो नेहरू आल्सो नॉट नेहरू टैगोर जो कहते मेथड से आप शिक्षा को नहीं बचा पाएंगे अगर आप सोचते हो मेथड आपका सही है तो आप सब कुछ कर लोगे वो गलत है मेथड इम्पॉर्टेंट है पर मेथड एवरीथिंग नहीं है मेथड के साथ बाकी चीज भी चलती है उसमें थोड़ा बाद में आएंगे ओके सो मेथड पे जब अगर आते हैं तो क्योंकि आप मेथड की एक डिमांड करते हो और ये करिकुलम में मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है सो आपके पास एक पेपर होगा teacher training methods, you know, approaches, methods, or theories of pedagogy. Okay? तो उस पे थोड़ा दो चार मिनट बात कर लेते हैं फिर हम वापस आगे बढ़ते हैं तो ये जो बात मैं अभी कर रही थी वो ये था कि आप जो जिसको पढ़ाते हो उसके साथ कैसे जुड़ते हो आप किसको तरकीब मानते हो किसको तरकीब नहीं मानते हो ठीक है उसमें एक बहुत अहम चीज ये है कि अगर जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ आप मुझे एक घंटा दिए हो तो ऑब्वियसली मैं सारा बात करूँगी और मुझे आप इतना दूर से बुलाए हो और सुनने का मन है तो मैं बात करूँ क्लासरूम में मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए इफ अगर आपके साथ 6 महीना रहूंगी तो आई शुड नॉट बी टॉकिंग ओनली ठीक है अगर कितना भी मैं अच्छा आइडिया लेके आपसे बात करूँ कितना भी मैं लिबरेटेड क्रिटिकल आइडियाज लाऊं अगर सिर्फ मैं बात करती हूँ तो ये ऑथोरिटेटिव है इट इज आउटराइटली ऑथोरिटेटिव जब तक आप उस बात में नहीं जुड़ते हो जब तक आप और मेरे में एक डायलॉग नहीं बनती है जब तक हम मिलके बात नहीं करते हैं तो वो बात ऑथोरिटेटिव होती है और वो ऑथोरिटेटिव होने से प्रॉब्लम क्या होता है ऑथोरिटेटिव प्रोपोनेंट से प्रॉब्लम ये होता है कि आपको मैं शुरू से ये बोलती हूँ कि मैं बात करूँगी आप सुनेंगे क्यों उसके तो कोई रीजन होगा क्योंकि मैं टीचर हूँ मेरे पास ज्ञान है तो इसके मैं बात करूँगी आपसे ज्यादा मैं जानती हूँ और ये गलत रीजन सुनिए ठीक है दूसरा चीज है कि हायरार्की बना दिया तीसरा है कि आप चुप रहने की आपको आदत हो गई और आपकी
बॉडी ऐसी बनेगी जो वो ऑथोरिटेटिव डिस्कोर्स की प्रोडक्ट होगी। देखिए हमारे देश में, मुझे आप क्लासरूम से भगा ना दो, हमारे देश में एक बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू है जो अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इम्पोर्टेंट मान के चलती हूँ और वो बहुत मिसयूज्ड है, वो है रेस्पेक्ट। ठीक है, जब आप क्लासरूम में जाते हो आप कभी देखिए बच्चे कैसे क्लासरूम के अंदर आते हैं। मैंने मेरे क्लास में पढ़ाती हूँ कि सेमिस्टर की शुरुआत में जब फर्स्ट बैच आती है पहले क्लासरूम एंटर करते हैं, मैं सीनियर को बोलती हूँ कि ऑब्जर्व करो, और सेमिस्टर सेकंड में जब वो क्लासरूम को आते हैं कैसे आते हैं आपको ये ऑब्जर्व करके बताइए, अपने आप में बात करिए, पहले धीरे से दरवाजा खुलेंगे, धीरे से समय के लिए आएंगे, कोने में बैठ जाएंगे, हाथ उठाने में दो बार सोचेंगे, कुछ स्मार्ट बच्चे हैं अंग्रेजी अच्छा बोल लेते हैं ताकि आए ना आए वो कुछ बोल देंगे, और कुछ लोगों का अंग्रेजी भी अच्छा आती है, ज्ञान भी है वो भी बोलते हैं, कुछ बच्चों को दोनों है या नहीं है बस बहुत लोग चुप रहते हैं। छः महीने बाद आप देखोगे जब एक रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है बेहिसाब आते हैं, बैठते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, आराम से बात करते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो टीचर को पहली बार मिल रही है फिर भी वो सहमति हुई आ रही है क्योंकि वो उसकी बॉडी में है, उसकी पूरी बॉडी की जो संरचना है, जो क्रिएशन वो हो चुकी है इन ए जेंडर्ड वर्ल्ड, इन ए हायरार्किकल वर्ल्ड जिसमें, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो रेस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और वो रेस्पेक्ट बड़ों का भी छोटे के लिए होना है, वो एक ही जैसा है, कुछ फर्क नहीं है, टीचर के स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के टीचर के लिए जो रेस्पेक्ट है वो एक ही जैसा है, कुछ फर्क नहीं है। रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है, यू कांट हैव रिलेशंस, बट वो रेस्पेक्ट जब ऑप्रेसिव थोड़ा हो जाती है, थोड़ा ऑथोरिटेटिव हो जाती है, एम्बॉडीड हो जाती है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज, इसलिए आप धीरे से बोलते हो, सवाल पूछने के लिए चार बार सोचते हो, मैम कैन आई आस्क यू, दिस विल नेवर से इन दिस लैंग्वेज, ओके नॉट अ मी डिफरेंस इन द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं ये कह रही हूँ कि आपको लगता है कि ये आपसे बाहर है, वो बाहर नहीं है, ये आपके अंदर है, इट्स पार्ट ऑफ योर बॉडी। सो ये जो एसिमेट्रिकल रिलेशनशिप है, ये जो ऑथोरिटेटिव डिस्कोर्स है, ये जो वन डायरेक्शनल टॉक है, इट क्रिएट्स अ सोसाइटी विच इज विच बेसिकली हार्बर्स हार्बर्स इनइक्वालिटी, हार्बर्स पैट्रियार्की, हार्बर्स हायरार्की, हार्बर्स इनइक्वालिटी, एवरीथिंग गेट्स इम्पोर्टेंट। इसीलिए पहला जो पेडागोजी का प्रिंसिपल्स है वो है इज ऑफ ए डायलॉग, नॉट एन ऑथोरिटेटिव टॉक, जिसमें हर कोई अपना अपना मंतव्य लाए। अच्छा आप कहेंगे कि टीचर को ज़्यादा मालूम है क्योंकि वो बीए किए हैं, एमए किए हैं, पीएचडी किए हैं, 20 आर्टिकल्स लिखे हैं, उनको ज्यादा मालूम है तो वो बताएंगे, हम तो अभी शुरुआत शुरू कर रहे हैं। सही है, गलत नहीं है, टीचर के पास ज्यादा नॉलेज है। ये जो मैं यही कह रही हूँ डिफरेंस के और इक्वालिटी के जो बात हुई है पिछले 20-30 साल में, तो मैं भी क्यों पूरे जितने फैशन है एकेडमिक्स का वो भी मैं चला रही हूँ, सब चला रहे हैं, देन यू ग्रो विद इट। उसमें भी प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम लोग कहते हैं दोनों में अलग अलग ज्ञान है, और दोनों ज्ञानी है और उसमें छोड़ देते, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। नहीं, टीचर के पास एक्चुअली कुछ चीजें ज्यादा है और वो टीचर की जिम्मेदारी है कि जो है वो समझ, वो उसको वो इस्तेमाल करे, एक तरह की समझ, वो समझ आपको ट्रांसफर कर दे। बोलिए कोई कोई समझ किसी को ट्रांसफर नहीं करता है, वो गलत सोच है। मेरे समझ के साथ मैं आपके साथ जोड़ूंगी और इस डायलॉग में एक समझ पैदा होगी जो शायद आपकी हो, और उस प्रोसेस में शायद मेरी समझ बदल जाए। आप जानते हो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कितने बकरी हूँ, मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत सिखाते हैं, फॉरगेट अबाउट इट, मेरे अपने जिंदगी भी अच्छा होती है मेरे स्टूडेंट की वजह से,
क्योंकि सडनली कुछ चीजें मुझे दिखता है अपने बारे में स्टूडेंट्स को लेके, यू नो, मुझे करीब करीब 6-7 साल पहले 2-3 स्टूडेंट्स बता बोले कि मैम आपसे हमें डर लगता है, आपको मालूम है मेरे डिप्रेशन हो गया था 6 महीना, रियली ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं इतनी एक्सेसिबल हूँ, सब कुछ हूँ, एंड लोग अच्छे आके कहते हैं आपसे मुझे डर लगता है. I actually took a lot of time to, because I thought I had failed. The moment my students were so dirty, I mean, that's a failure. I'm such, I have to tell you, I had 3-4 months of very bad, you know, problem. I was thinking for 2 years, and after that I realized I became much better a teacher. At that time, I was very bad. I was teaching in different other universities, I was very bad. मेरे स्टूडेंट्स के साथ मेरा कम, यू नो, बातचीत होती थी. मैं बाहर विजिटिंग फैकल्टी समय थी, तो जब आप कम इंटरेक्ट करोगे, मैंने उनको पढ़ाई ली थी 1-2 बैच को, तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा लगेगा. आई रियलाइज यू हैव टू डू समथिंग. आई नो इट मेड मी अ बेटर पर्सन, इट मेड मी अ बेटर मदर, इट मेड मी अ बेटर वाइफ. आप लोग उतना सिखाते हो जितना मैं आपको सिखाती हूँ. बट एनीवे, वो तो क्वेश्चन की बात है. सबको डिसिप्लिन को आते, दैट इज वेरी डिफरेंट. That's very crucial. It has, one has to understand all these pedagogic methods in the context of discipline. Okay? एक है diversity and difference बहुत important है, तो उसको romanticize मत करिए, जो हम लोग कर चुके हैं, और वो गलती हम लोग कर चुके हैं. जेनु सबसे ज्यादा गलती किया है, और हम अपनी गलतियों से भी सीखते हैं. वो डिफरेंस है, जेनु अपना भी बढ़िया बढ़िया आइडिया दिया है, और वो डिफरेंस है बोल के छोड़ दोगे तो नहीं है. उसके साथ आप समझिए वो डिफरेंस है क्या, मैं क्या करूं कि मैं हर किसी के साथ जुड़ सकूं. ठीक है, दैट्स माय जॉब. अब मैं थोड़ा एक छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि टाइम कम है, एक एग्जांपल देके मैं आपको बताती हूँ. सपोज आपके क्लास में एक डिजाइन चल रहा है, ठीक है, तो आप उसको पहले टाइम था बोले कि उसको स्पेशल स्कूल में डाल दो, उसके बाद नहीं बोले कि नहीं हर स्कूल इंक्लूसिव होना चाहिए, तो आप हर टीचर को एक इंक्लूसिव मेथड होना चाहिए कि बाकी बच्चों को पढ़ा दो, पर वो डिजर्वर्ड जो स्पेशल नीड बच्चे को भी पढ़ा सके, ठीक है, तो उनके लिए भी कुछ और साधन तैयार करिए. मेरे एक दोस्त थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कई सारे लोग उसमें लिखे हैं, पर वो एक पेपर बहुत बढ़िया लिखा था. वो ये है कि जो आप ब्लाइंड बच्चे के लिए एक साइंस के कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए सब कुछ एक ऑब्जेक्ट तैयार करते हो जो छू के समझता है कि सपोज प्लेन सरफेस अनइवन सरफेस क्या है, पानी और लिक्विड एंड सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या है. ठीक है, वो हर चीज को आप सोचते हो कि वो छू के देखे उसको, बिकॉज वो सेंसरी इनपुट उसके पास आ सकता है, विजुअल इनपुट रेस्ट्रिक्टेड है, तो आप उस तरह के साधन तैयार कर दो जिसमें वो बाकी सेंसरी इनपुट यूज कर रहा हो, एंड उसको यूज करके उसी एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ सकता हो. आप कभी ये सोचे हो कि अगर एक एबल बच्चा जो देख सकता है, सुन सकता है, जो एबल बच्चा, उसको इसी ऑब्जेक्ट को उसी माध्यम में पढ़ाए, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बनती है? हमने ट्राई आउट किया था दिल्ली में. एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट हमने ये स्पेशल नीड बच्चों के लिए बनाते हैं उससे साइंस पढ़ाना ज्यादा आसान है देन द सो कॉल्ड थिंग्स दैट वी हैव, ऑब्जेक्ट्स दैट वी हैव फॉर सो कॉल्ड एबल चाइल्ड, बिकॉज वो देख चुका है, पर वो जो देखा है उसको उस तरह से एनालाइज नहीं किया है. So, शिक्षा के काम है कि वो जो देखा है उसको और एक लेवल पे विश्लेषण करे ताकि वो साइंटिफिक तत्व तक पहुंच पाए. ठीक है, आप बोलते हो कि अच्छा आपने जब बचपन में देखे होंगे ये वाला चीज, बच्चों ने हाँ हम देखे थे, अच्छा हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टिल वेरी एब्स्ट्रैक्ट. जबकि स्पेशल नीड चाइल्ड को आप चीजें पकड़ाते हो as if he has never seen it, he hasn't seen it, but he has met, never experienced it. But आप देखो कि जब बच्चे को आप उस चीज को पकड़ाते हो, वो छूता है, उसके बारे में बात करता है, उसको फील करता है,
Then you realize, my God, I'm going to get a deeper scientific level. So why did you do that with able children? Assuming that if I see as analytically or as scientifically as he sees or you see. No, I might not have analyzed that. So, what I'm saying, ye jo alag alag khyamta ki bachon ke liye main cheeze banati hu, wo able bachon ke liye zyada acha sabit hota hai. Samajh rahe? So ye jo difference ki baat karke hum chhod dete hain, actually usko ek center mein rakh ke baat karne ki zarurat hai. Because these differences allow you to create new objects, create new possibilities of experiencing the object, and create new ways of talking about the object and the phenomena around the object. ठीक है? और डायलॉग में ये बहुत अच्छा से हो सकता है क्योंकि आप सब अलग अलग एक्सपीरियंस लेके आते हो. जब आप अपने एक्सपीरियंस लाके सामने रखते हो और टीचर उस एक्सपीरियंस के साथ जुड़ता है और उस एक्सपीरियंस को लेके एक साइंस या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है, उसमें क्या होता है कि अगर एक एग्जाम्पल से एक बच्चे को नहीं समझ आता है और दूसरे एक एग्जाम्पल से उसके दिमाग में आ जाता है, नहीं ये तो ये है. तीसरा बच्चा जो बहुत खराब एग्जाम्पल देता है पर उससे चार बच्चों को समझ आता है क्या है. तो मोर एंड मोर एक्सपीरियंसेस यू ब्रिंग इन टू द क्लासरूम, मोर स्कैफोल्ड्स यू क्रिएट. पियाजेशियन का आप सब लोग पढ़े हुए, पियाजे स्कैफोल्डिंग. स्कैफोल्डिंग क्या होता है? कोई चीज एक सपोर्ट देते हो, सीखने के लिए सपोर्ट देते हो. एक्सपीरियंस से जब आप होता आप अपना एक्सपीरियंस बोलो या क्लास फाइव में जो पढ़ते हो याद करो. दीज आर ऑल स्कैफोल्ड्स. आई यूज इट एज स्कैफोल्ड, जो पियाजे कहता है. तो बच्चों के जब एक्सपीरियंसेस आप लाते हो तरह तरह के एक्सपीरियंसेस, वो सारे स्कैफोल्ड बनते हैं आगे की समझ के लिए. और स्कैफोल्ड कैसे बनेंगे? जब टीचर को मालूम है उसके साथ करना क्या है. ठीक है? अगर टीचर को मालूम नहीं है उसके साथ करना क्या है तो वो नहीं करा पाएगा. तो मेथड के साथ कंटेंट की बहुत रिलेशन है. यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट में फर्क है. शायद टीचर को स्टूडेंट को मालूम भी हो सकता है, पर टीचर को मालूम होना जरूरी है. जिस टीचर के पास अगर कंटेंट नॉलेज नहीं है तो कोई मेथड उसको बचा नहीं पाएगा. बच्चे खुश रहेंगे, थोड़ा और इंटरेस्टेड होंगे, थोड़ा कुछ पढ़ लेंगे, पर बहुत अच्छा नहीं करेंगे डिसिप्लिन में. यहाँ से मैं थोड़ा डाइवर्ट करूंगी. डिसिप्लिनरी नॉलेज क्या है? जब क्लास वन में बच्चा मैथमेटिक्स सीखता है, मैं मैथमेटिक्स डिसिप्लिन के बारे में नहीं बॉदर करती. मैं सोचती हूँ ठीक है, इसको क्वांटिटी के बारे में समझ आना चाहिए, गिनना समझ आना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस देख ले काउंटिंग एंड क्वांटिटीज में, छोटा बड़ा ज़्यादा कम और एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ छोटे छोटे चीज़ें कर दें तो हो जाएगा. ठीक है? जब क्लास फाइव को आता है हम बोलते हैं अरे क्लास सिक्स में तो ये अलजेब्रा करेगा. आप इसको बड़ा अलजेब्रिक आइडियाज देते हैं. क्यों? क्या क्या है? बिकॉज क्लास सिक्स में हम उस बच्चे को और एक डिसिप्लिनरी नॉलेज की तरफ लिए जा रहे हैं जो स्पेशलाइज्ड है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है. कुछ नया चीज मैं क्लास में करने नहीं जा रही हूँ. स्कूल एक्चुअली व्हेन आई वाज इन मैनचेस्टर, एक सजेशन आई वाज टीचिंग इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट. उनके स्कूल ऑफ एजुकेशन में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट था, मैथमेटिक्स पेडागॉजी स्पेशल सेंटर था, उसमें आई वाज टीचिंग. तो उसमें एक सजेशन था एक सेमिनार करें कि इस स्कूल मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स डज इट हैव एनीथिंग टू डू विद मैथमेटिक्स. And then we realized, yes, you know, we need to debate that. We never did that seminar. कि कोई नहीं फ्री में सब कोई नहीं आना था, कोई नहीं आ पाया, बहुत मुश्किल था, उसमें नहीं कर पाए, तो उसमें चर्चा बहुत हुई थी. तो इसको मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स डू वी क्रिएट एनीथिंग न्यू इन स्कूल? कैन वी क्रिएट एनीथिंग न्यू इन स्कूल? स्कोप बहुत कम है. जबकि पीएचडी जब आप करते हो हम बोलते हैं थोड़ा नया क्रिएट करो. क्यों? बिकॉज स्कूल में आप बेसिक कॉन्सेप्ट देते हो, बेसिक आइडियाज देते हो ताकि बच्चे के पास कंसेप्चुअल कैटेगरीज पे, कंसेप्चुअल लेवल पे वो टूल्स हो ताकि आगे जाके एक नॉलेज सिस्टम के साथ वो जुड़ सकता है.
Okay. Now these systems are already developed. Mathematics is a very well developed mental system. Language, theoretical linguistics, is a very well developed discipline. Science, very well developed discipline. पर उसके जो ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, जो समझ पैदा हो चुकी है इंडिया में, बाहर 50 देशों में, 100 देशों में जो समझ खड़ा हो चुका है और जो लिखित रूप में नॉलेज की तरह अवेलेबल है, हम चाहते हैं उसके साथ जुड़े और उसका फायदा ले। वही आप हायर एजुकेशन में करते हो, यूनिवर्सिटी में करते हो, कॉलेज में करते हो, उसके लिए आप स्कूल में उसको बच्चे को प्रिपेयर करते हो कि उसके पास इतनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, उतनी कंसेप्चुअल टूल्स हो, ताकि आगे जाके वो फिजिक्स की जो यूनिवर्सल नॉलेज है उस पर जुड़ सके और वो सोच यहाँ तक जाए ताकि कल वो कुछ नया सोच भी पैदा कर पाए, नया कुछ डिस्कवर कर पाए। ठीक है, तो ये जो आगे जाके जो फिजिक्स की नॉलेज है उसमें जुड़ने के लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो आप स्कूल में देते, कॉलेज में आप एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चे को उस नॉलेज के साथ जुड़ने के लिए, और वो नॉलेज के साथ जुड़ने के लिए आपको कुछ नेसेसरी नॉलेज और टूल्स चाहिए। वो जो पहले क्लास में आया होगा वही डिटरमिन करता है कि करिकुलम क्या होगी। जो करिकुलम की जो डिबेट है वो यहाँ से शुरू होती है कि अगर बीएड एक स्टूडेंट करता है तो बीएड में क्या क्या होना चाहिए, किस तरह की समझ पैदा होनी चाहिए, और बीएड के आगे जब वो एमएड करेगा या एमफिल पीएचडी करेगा तो ये नॉलेज सफिशिएंट है कि नहीं। बीएड के बाद अगर वो स्कूल जाकर पढ़ाएगा इस नॉलेज के साथ, तो स्कूल में पढ़ा सकता है कि नहीं। ठीक है ना, बीएड में जब आप सपोज जेंडर एंड सोसाइटी करते हो या साइकोलॉजी करते हो, लर्निंग थ्योरीज करते हो, या साइंस एजुकेशन टीचिंग मेथड्स इन साइंस स्टेम जो है, साइंस एंड मैथमेटिक्स टीचिंग अगर आप करते हो, ठीक है, ये डिसिप्लिन है, सब डिसिप्लिन है एजुकेशन के। इवैल्यूएशन एक पेपर होता है आपका, क्योंकि आप जो बच्चों को पढ़ाओगे उसमें इवैल्यूएट करोगे, उसमें भी आप सोचते हो मैं और ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक हो सकता हूँ, एंड मुझे यू नो देयर इज नॉलेज आउटसाइड व्हिच कैन हेल्प मी हैव बेटर मेथड टू इवैल्यूएट, तो आप इवैल्यूएशन करते हो। आपको लगता है आजकल सिर्फ टीचर इनफ नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, उसको इस्तेमाल करके पढ़ाया जा सकता है, तो उसको मैं कैसे यूज करूं, तो आप उसमें भी एक डिसिप्लिनरी नॉलेज लाना चाहते हो, बिकॉज़ देयर इज ऑलरेडी अ डिसिप्लिन आउट देयर, यू वांट टू एंटर इनटू दैट डिसिप्लिन। ओके, सो इन हायर एजुकेशन द अटेम्प्ट इज टू हेल्प स्टूडेंट्स एंटर इनटू अ ऑलरेडी अवेलेबल discipline of knowledge. And then you be creative within that. Your engagement can be creative. But you enter into a discipline. And that discipline ke liye jo preconcepts ya early theory chahiye, wo aapko diya jata hai. To curriculum ki jo debate hai, wo kai level pe hoti hai. Ek to very basic fundamental level, when you try to understand who is the learner, what is the role of a textbook, what is the role of IT, what is the role of a teacher, what teacher can do. I can do so little or so much, not usse aage aur usse piche, I cannot do everything. Aapko karna padega, main aapke saath reh sakta hu, aapko madad kar sakta hu. Theek hai, to ye jo samajh hai ki main aapko madad kar sakta hu, ye bahut badi baat hai. मैं आपको पढ़ाऊंगी मेरी बैड बुक, मैं आपको और एक ज्ञान की दुनिया के साथ ट्रैवल करने में मदद करूंगी, आपको उस ट्रैवल में जो जो चाहिए वो आपके पास पहुंचे उसमें मैं मदद करूंगी। तो मैं करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो मुझे बताए मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या मुझे अच्छा टीचर बनाता है, किस तरह की मैं रीडिंग मटेरियल लाऊं। आप बोलते हो मेरे पास ये टेक्स्ट बुक है, इसी से पढ़ाना है, मुझे बताइए। यूजीसी में बहुत सारे कमिटी में मैं हूँ, आपके प्लानिंग का जो लास्ट 12 5 13 तो मुझे नहीं मालूम हो रहा है कैसे हो रहा है,
12-5-5 प्लान का ट्राइबल एजुकेशन वाला पार्ट आई हैड हेड इट. मुझे मालूम है कि सम ऑफ द डिसीजंस कैसे लिया जाता है. हायर एजुकेशन में टेक्स्ट बुक नहीं है. टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द रेफरेंशियल मटेरियल. अगर आपको वो टेक्स्ट बुक पसंद नहीं है, आप जरूरत नहीं है आपको यूज करना. इवन इफ योर कॉलेज और योर इंस्टीट्यूशन टेल्स यू टू यूज इट, बस अगर लर्निंग पढ़ाना है लर्निंग पढ़ाना है. आप इतना ये पढ़ा यूज करते बी को यूज करते सी यूज करते इट डजंट मैटर. कोई यूजीसी आपको नहीं कहता कि इसी को यूज करो. इसीलिए यूजीसी का डॉक्यूमेंट हमेशा रेफरेंस डॉक्यूमेंट होता है. हायर एजुकेशन में ए टेक्स्ट बुक डजंट वर्क. इट इज अगेंस्ट फिलोसफी. तो आप किस तरह के मटेरियल लाएंगे जो आपको मजा आए, यू नो, बच्चों में मजा आए, यू नो, थोड़ा मजा इट क्रिएट सम इंटरेस्ट सम you know, curiosity. I don't want to talk about it. That's very important. So material selection is very, very important. And यहाँ पे मेरा एक है जो कुंजी किताब नहीं काम करती है. कुंजी किताब में दम नहीं होता है जो आप में एक मजा पैदा करे. आप मानो या ना मानो, आप एक बार ओरिजिनल पेपर पढ़ के देखो. मैं हमेशा मेरे बच्चे को कहती हूँ, मैं विगस्कियन हूँ, कि अगर पढ़ना है विगस्की का अपना पेपर पढ़ो जो खुद लिखा है. इतनी सरल चीज है. जो ओरिजिनल थियोरेटिशियन है गांधी का अपना किताब पढ़ो. गांधी का जो लिखा है वो बर्बाद कर देता है बहुत बार गांधी को. पढ़ना है तो गांधी जो लिखा है उसको पढ़ो. भिजुभाई वधे का जो लिखा है उसको पढ़ो. सिल्विया ऑस्टिन टीचर लिखा है अगर आप पढ़ोगे तो उसको पढ़ो. विगस्की पढ़ना है तो विगस्की का अपना राइटिंग पढ़ो. यू नो क्यों? जब मैं थियोराइज करती हूँ मैं बिल्कुल सिंपल फंडामेंटल चीज से शुरू करके आगे बढ़ती हूँ कि बच्चा सीखता कैसे, भाषा के क्या नाम है, वो जगह है सीखने में, भाषा की जगह क्या है सीखने में. ये बहुत बड़ी बड़ी आपने शोध की एरिया है, बहुत बड़ी सवाल है आपको. मैं वर्कशॉप मोड में कर रहे थे इस चीज में करती हूँ. आप एक कोई सोच के बारे में कोई भी माध्यम में आप मुझे बोलिए, अगर भाषा मत यूज करिए या बोलिए मत, आप किसी चीज के बारे में सोचिए. आपको मैं एक मिनट देती हूँ. कोई भी चीज के बारे में, साड़ी हो, गहना हो, कंप्यूटर हो, चेयर हो, सोचिए, पर भाषा की प्रयोग मत करिए. एक मिनट लीजिए, सोच के मुझे बताइए. भाषा की प्रयोग नहीं होगा कोई वर्ड जो भाषा जो वो नहीं होगा. आप सोचिए सोच पाए पानी के बारे में सोचो. पानी तो भाषा है, चेयर भाषा है, भाषा की तो चेयर के बारे में मैं जब सोचती हूँ कि चेयर पर बैठते हैं, बैठते हैं ऑल्सो भाषा. अब बोलिए, सोच के बोलिए. छह महीने का बच्चा भी सोचता है, उसके पास उससे उतना भाषा नहीं होता है, पर आप भी सोच सकते हो. दो साल के बच्चा जब फुली लिंग्विस्टिकली एडल्ट हो जाता है उसकी पूरी सोच गेट्स मीडिएटेड बाय लैंग्वेज. माँ चाहे से ये मुझे दे दो, हाँ हाँ हाँ, सो दिखाता है, आप उसको दे देते. उसके बाद जब उसको पानी का वर्ड आ जाता है, मामा पानी दो, और सुन में आप देखोगे वो पानी जब होता है पानी की तरफ देखता है और उसको इशारा करता है, क्योंकि वही आदत है. और उसके बाद थोड़े दिन में इशारा करना भी छोड़ देता है, मामा को आसान है पानी दो. वाटर हैज रिप्लेस्ड ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द वर्ड एंड वाटर हैज स्टार्टेड मीडिएटिंग इन योर माइंड. एंड देयरफॉर इफ आई आस्क यू टू थिंक विदाउट एम्प्लॉयिंग अ लैंग्वेज, सबके बुरा होते हैं. मेरे स्टूडेंट को मैं बोलती हूँ पूरे जिंदगी में दे दिया आप छह महीना ले लो, सोच के आके मुझे बता. सोच अगर आप कहोगे कि भाषा के बिना सोच नहीं सकते, नहीं, भाषा के बिना सोच होता है, पर वो बहुत मुश्किल होता है बिकॉज भाषा इज ऑलरेडी रिक्वेस्टेड. अगर मुझे आपके सोच को लेके ही काम करना है, भाषा के बिना मैं कर नहीं सकती हूँ, कर सकती हूँ. अच्छा बताइए कौन तुम कौन कह जड़े अपन कभी तो क्या कौन तुम कौन बोले कौन कोरिया
कौन कहे थे जस्ट दिन में पूर्व कौन कहे थे व्हाट इज लैंग्वेज भाषा कौन अच्छा अब अपन कौन तुम कौन कहे ठीक है ठीक है अपन कौन तुम कौन कहे सी दिस इज अ क्लास ऑफ वीडियोस देयर इज ओनली वन इंटेलिजेंट स्टूडेंट हु स्टूड अप एंड सेड एवरीबॉडी हैज फेल्ड What did he do? This is what we do all the time in this country. आप लोग इतने विद्वान हो मैं एक मिनट में आपको वर्सन के ब्लैंक स्लेट बना दूँ। Oh, so fast! Within a